वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको मक्की का साजा बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को बहुत पसंद आता है। लेकिन इसको बनाते समय बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि इसको बनाते समय कुछ लम्स रह जाते हैं, गुठलियां रह जाती है, या फिर ये नीचे पेंदे पे लग जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारे सामने आती है, लेकिन इन सब प्रॉब्लम को आज मैं दूर करूंगी। आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें, जिसमें आप देख पाएंगे कि बिना किसी झंझट के हम इसको झटपट 5 मिनट के अंदर बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप ढोकले का आटा लिया है। जो मक्की के ढोकले बनाते हैं वो आटा हमें साजा बनाने में चाहिए। ढोकले का जो आटा होता है ज्यादा मोटा भी नहीं होता है, ज्यादा बारीक भी नहीं होता है, तो हमें वही आटा साजा बनाने के लिए लेना है। इसी में मैं 2 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करूंगी, आप स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफर करूंगी। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो जितना हमने आटा लिया है उसका 3 गुना हमें पानी ऐड करना है। तो थोड़ा पानी हम अभी ऐड करेंगे, थोड़ा बाकी का हम बाद में डालेंगे। इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऐसा मैंने इसलिए लिया है कि इसमें गुठलियां न पड़े, लम्स न रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स करना है। इस तरह आसानी से मिक्स हो जाता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। इस तरह हमें इसका बैटर तैयार करना है। यदि आप इस तरीके से साजा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा साजा बनेगा, बिल्कुल लम्स नहीं रहेंगे। तो चलिए अब हम पहले पानी गर्म करेंगे। गैस पे मैंने कुकर रखा है और 2 से 3 टीस्पून मैंने इसमें तेल ऐड किया है। इस तरह आप कुकर में बनाएंगे तो साजा फटाफट झटपट बनकर तैयार हो जाएगा और बिल्कुल भी तल्ले पे नहीं लगेगा। तो तेल अच्छा गर्म हो गया है, अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा चटकने लग गया है तो 1 हरी मिर्च मैंने यहाँ पर धोकर बारीक कट की थी, वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है, जितना आटा लिया था उसका 3 गुना हमें पानी ऐड करना है। थोड़ी सी हींग भी हम इसमें ऐड कर देंगे, पानी को अच्छा गर्म होने देंगे। 2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आप स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर पापड़ खार लिया है, जिससे पापड़ बनते हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। सभी को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी गर्म होने लग गया है, गैस की फ्लेम को अब हम कम कर देंगे और जो बैटर हमने तैयार किया था वो धीरे धीरे इसमें हमें ऐड करना है। ये बैटर हम इसमें ऐड करेंगे और लगातार इसको हम चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमें कम करके इसमें ऐड करना है और एक बार इसको हम चला देंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कम फ्लेम पे ही हमें इसको चलाना है, तेज में चला देंगे तो एक साथ चलाने से इस पे गुठलियां पड़ने का डर रहता है। अब हम गैस की फ्लेम को फुल कर देते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से मिक्स हो गया, बिल्कुल भी इसमें लम्स कुछ भी नहीं पड़े हैं। इस तरीके से यदि आप बनाएंगे तो आपका साजा बहुत ही टेस्टी बनेगा और न ही पेंदे पे लगेगा, न ही इसमें गुठलियां पड़ेगी। इस तरह हमें तल्ले से इसको चलाते रहना है। जब एक उकाली आ जाएगी तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और कुकर को ढक देंगे। बहुत से लोग तो गर्म पानी के साथ ही इसको घोलते हैं, ऐसा करने से जो है लम्स पड़ जाते हैं। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका साजा बहुत ही टेस्टी बनेगा। यदि आपको जानना है कि मक्के के ढोकले कैसे बनाते हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं जरूर इसका वीडियो बनाऊंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हम ढक्कन लगा देते हैं और कम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। कुकर को मैंने बंद कर दिया है, कम फ्लेम पे हमें इसको 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस की फ्लेम को तेज कर देते हैं, 2 से 3 विसल आने देंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को अब हम बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। अब विसल निकलने तक हम इसका वेट करेंगे, फिर हम कुकर को खोलेंगे। बिसल निकल गई है तो कुकर अब हम खोल लेते हैं। जितना हमें चाहिए उतना ही हम निकालेंगे, क्योंकि फिर वो ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के बताती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा साजा बनकर हमारा तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा साजा हमारा बनकर तैयार हुआ है। थोड़े साजे को मैंने बाउल में ट्रांसफर कर दिया है, तो इस पे अब हम घी लगा देते हैं। तो इस पर अब हम घी लगाएंगे, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, घी भी कम ज्यादा आप अपनी मात्रा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे आपको खाना है। थोड़ी हम धनिया पत्ती से इसकी गार्निश भी कर देते हैं।
आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और टेस्टी सजा बनकर तैयार हुआ है। इसको बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो आटा लेंगे वो ज्यादा बारीक भी नहीं हो, ज्यादा मोटा भी नहीं हो, इस बात का खास ध्यान रखें। और इसको आप तेज गर्म पानी में न घोल के हल्के गुनगुने पानी में घोलेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। इसमें लम्स भी नहीं रहेंगे, नहीं इसमें गुठलियां पड़ेगी। साजा को आप हरे धनिया की चटनी के साथ, दाल के साथ या शक्कर के बूरे के साथ सर्व कर सकते हैं। जरूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।